सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज शाम तक घोषित हो जाएंगे। वोटों की गिनती जारी है। जिन सीटों पर आज नतीजे घोषित होंगे उनमें बिहार की रुपौली सीट भी शामिल है। रुपौली सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीमा भारती यहां से काफ़ी पीछे चल रही हैं। जेडीयू के कलाधर मंडल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वो 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वो बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। पप्पू यादव ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। लोकसभा में चुनाव में मिली हार के बाद भी राजद ने बीमा भारती पर फिर दाव लगाया और उन्हें उपचुनाव के लिए रुपौली से टिकट दिया। रुपौली में 10 जुलाई को करीब 52% मतदान हुआ। दरअसल बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर बीमा भारती का मुकाबला जेडीयू के कलाधर मंडल से है। वहीं लोकपा के बागीशंकर सिंह भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जिससे यहां मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। हालांकि असली मुकाबला जेडीयू और राजद के बीच ही है। रुपौली सीट पर इसलिए उपचुनाव हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और वो आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद ये सीट खाली हो गई। बीमा भारती को फिर से विधायक बनाने के लिए आरजेडी ने पूरा जोर लगा दिया है। ये सीट सीएम नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का सबब बन गई है। जेडीयू सीट को हर हाल में जीतना चाहती है, वहीं आरजेडी ने भी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया है। ऐसे में देखना है कि रुपौली में बीमा भारती अपना दबदबा बनाए रखती हैं या फिर नीतीश कुमार का जादू चलता है। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने रुपौली की लड़ाई को और रोचक बना दिया। वोटिंग से एक दिन पहले उन्होंने बीमा भारती को सपोर्ट करने की बात कही थी। उन्होंने अपने और कांग्रेस के समर्थकों से बीमा को वोट देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हमने ये अपील की है। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पप्पू यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। पप्पू यादव को 5,67,556 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर जदयू के संतोष कुमार रहे थे, उन्हें 27,120 वोट पाकर बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही थी।